दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आपने वीडियो की स्टार्टिंग देख ही लिया होगा कि हम इस वीडियो में कितना बड़ा कारनामा करने वाले हैं। तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि लोग गोबर द्वारा बायोगैस कैसे बना लेते हैं, तो गोबर से बायोगैस बनती है या नहीं बनती, आज हम इसकी पूरी सच्चाई का पता लगाएंगे। इसलिए वीडियो को आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हमने ले लिया बाल्टी में थोड़ा सा गोबर, उसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी हमने, और उसके बाद हमने हाथ में एक पॉलीथीन लगा लिया जिसकी मदद से हम इस सारे गोबर को पतला कर लेंगे, हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसके बाद हम इसको इस एक काली बोतल लेंगे और इसमें कीप की मदद से इस बोतल में इस सारे मिक्सचर को डाल देंगे, और इस बोतल को हम आधा खाली रखेंगे ताकि इसमें गैस बन सके। अब इसमें ये भर चुका है, हमने रख दिया इसे 5 दिन के लिए। तो 5 दिन बाद हमने इस बोतल के ढक्कन में इस IV सेट के पाइप को ग्लू गन की मदद से हम इसमें सेट कर देंगे, अच्छी तरह सेट कर देंगे ताकि यहाँ से गैस लीक ना हो, और इसके हम चारों तरफ ग्लू गन अच्छी तरह से लगा देंगे ताकि हमारी गैस थोड़ी सी भी लीक ना हो। तो हमारा सेट ये अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें आग लगा के कि वर्क करती है या नहीं करती, सारी सच्चाई का अभी हमें पता चल जाएगा कि बायोगैस कितनी बनी है या नहीं बनी। तो देखिए दोस्तों, एक वर्क तो कर रही है लेकिन अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रही है, बहुत ही कम मात्रा में इसमें गैस बनी है। तो देखिए दोस्तों, ये इसमें बहुत ही कम गैस बनी है, आपको दिख रहा होगा, इससे ज़्यादा इसमें आग नहीं लग रही है। तो फिर लोगों की हर वीडियो में इतनी तेज़ कैसे बन जाती है, इसीलिए इसी बात का हम पता लगाएंगे तो लोग कैसे बनाते हैं। इसीलिए हमने लिया है कैल्शियम कार्बाइड के 2 छोटे छोटे टुकड़े, और हम इसको इस बोतल के अंदर डाल देंगे ढक्कन को खोल के, हम इसके अंदर इनको डाल देंगे। तो हमने इनको इस बोतल के अंदर डाल दिया है और इसमें गैस बनना चालू हो गई है। तो अब हम जल्दी से इस बोतल के ढक्कन को अच्छी तरह से कस देंगे, और इसके अंदर ज़्यादा भी कैल्शियम कार्बाइड नहीं डालना है, छोटे छोटे टुकड़े डालना है, नहीं तो हमारी बोतल फटने का डर भी रहता है, इसीलिए हमें कम मात्रा में कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े डालने हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारी गैस किस तरह से काम करती है। हमने लगाई आग और हमारा एक वर्क कर गई, तो देखिए कितनी तेज आग जल रही है इसमें, बहुत ही ज़्यादा गैस निकल रही है, इसकी वजह से रुक नहीं पा रही है। हम फिर से आग लगा के देखते हैं और ये काम कर चुकी है। तो दोस्तों, लोग इसी ट्रिक को अपना के एसिटिलीन गैस को बायोगैस बताते हैं, लेकिन वो बायोगैस नहीं होती है, वो एसिटिलीन गैस होती है जो कैल्शियम कार्बाइड की मदद से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया हुआ ये कितनी तेज़ आवाज़ कर रही है, और ये बायोगैस नहीं है, ये एसिटिलीन गैस है जो कैल्शियम कार्बाइड और पानी के साथ में क्रिया करके एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। दोस्तों, ये बायोगैस
इतनी आसानी से नहीं बनती है, इसके लिए बहुत बड़े बड़े प्लांट बनाए जाते हैं। अगर इतनी आसानी से हम बायोगैस बना लेते तो हम घर पर इतनी महंगी गैस नहीं खरीदते। तो दोस्तों, हम इस कंट्रोलर की मदद से इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आइए हम फिर से आग लगा देखते हैं, क्योंकि हमें इस सारी गैस को ख़त्म करना होगा ताकि हमें कोई खतरा ना हो, इसीलिए हम इसको जला के पूरी गैस ख़त्म कर लेंगे। तो इसकी सारी गैस ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम इसके ढक्कन को खोल लेंगे धीरे धीरे से। इसको खोलने के बाद हम इसमें चेक करेंगे इसके अंदर की स्थिति, तो इसमें बहुत सारे बुलबुले हैं। तो आइए अब हम इसके साथ कुछ और नया करके देखते हैं, इसमें और कितनी गैस है। तो इसमें बहुत बुलबुले हैं अभी, ये बहुत डेंजर होती है, इसको बच्चों से दूर रखें। तो हमने इसमें लगा दिया एक स्टील का ढक्कन, अब हम इसमें लगाएंगे आग, फिर देखते हैं इसके साथ क्या रिएक्शन होता है। तो दोस्तों, देखा आपने ये कितनी डेंजर होती है, इसीलिए बच्चों को इससे दूर रखें। और ये देखो इसके अंदर कितना सारा धुआं निकल रहा है, और ये धुआं के छल्ले भी बना रहे हैं। ये देखो, हम इसका सारा धुआं निकाल देंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ भाई को सपोर्ट करो।